गाइस, मैं हूँ मयंक और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं मोहम्मद राशिद। यार कमेंट बॉक्स में यार बहुत रिक्वेस्ट आती थी कि अपने दोस्त को लेके आओ, अपने दोस्त को लेके आओ। तो मैंने दोस्त को लेके आया, मोहम्मद राशिद, जो यार पड़ोसी है अपना। और यार बचपन से हम लोग साथ रहे हैं, बचपन से स्कूल एक ही स्कूल में पढ़े हैं। हाँ, वो अलग बात है कि ये हमसे पढ़ने में थोड़ा तेज थे, तो ये सेक्शन ए में थे और मैं सेक्शन बी में था। ऐसा नहीं है, ये भी बहुत तेज था पढ़ने में, आज हमसे बहुत आगे है। किस मामले में? ये गर्लफ्रेंड के? नो, गर्लफ्रेंड नहीं, तौबा तौबा। तो यार आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं नेशनल का, पाकिस्तान सीजन 5 एपिसोड 6 पे, जिसका टाइटल है कलाम। तो यार आज हम पाकिस्तान का कलाम सर एक्सप्लोर करेंगे। तो यार नेशनल का पाकिस्तान मुझे यार बहुत सही सीरीज लगता है यार। इंडिया बैठे बैठे ही हम लोगों को पाकिस्तान देखने का मौका मिल जाता है, तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है हम लोगों के लिए। और ये बंदा रेगुलर हमारे वीडियोस में दिखेगा, अबे कमिटमेंट दे। मैं मैंग की वीडियोस में रोज दिखूंगा, ज़्यादा दिखूंगा। मैंग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है अमन की आशा, और आप लोगों ने इसे बहुत प्यार, बहुत इज्जत और मोहब्बत दिया है, और मैं आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही देते रहें। इसके चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, और जैसा जैसे हम लोग आपके पाकिस्तान को देखते हैं, आपके खूबसूरत पाकिस्तान को देखते हैं, वैसे ही आप हमारे इंडिया को देख सकते हैं। वो इस तरह मेरा एक यूट्यूब चैनल है मोटो ब्लॉगिंग का, जिसका नाम है इंटर कॉन्टिनेंटल राइडर। नाम मैंने दिया है वो क्रेडिट से जाता है, इसने नाम दिया है। और आप लोग भी आए मेरे चैनल पे देखे, तो लिंक जो है इसके चैनल का वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो फिलहाल यार हम लोग चलिए देखते हैं नेशनल का पाकिस्तान का कलाम सीजन 6। सीजन 6 नहीं बे, एपिसोड 6। एपिसोड 6, चलो हियर वी गो। कलाम हमारे पाकिस्तान का एक और खूबसूरत हिस्सा, घने जंगल, सब्ज पहाड़ और हसीन नजारे। बाइक से एक्सप्लोर करेगा ये बिल्कुल। यार मैंने 2-3 वीडियो में ना वो बाइक से दिखाई थी, रोड नीचे मैंने देखी थी, वो लोग बोले थे यार और रोड। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके मुल्क घूमने का। इंशाल्लाह का मतलब बता दो, मतलब अल्लाह ने चाहा तो बेशक जाएंगे हम। यार ये वेलकम टू नेशनल का पाकिस्तान, मैं हूं शेफ सादत सिद्दीकी। आज खूबसूरत जर्नी का आगाज करूंगा इस हसीन वादी कलाम से। कलाम देख, नेशनल के पाकिस्तान में यहाँ पे बाइक चलाने को मिल जाए, मजा आ जाएगा, खूबसूरत नज़ारे देख सकूँ। लेकिन ये नज़ारा बहुत हसीन नज़ारा है। बेसिकली मैं दियार के जंगलात में खड़ा हुआ हूँ, सब जानते हैं कि जंगलात पता है तुम्हें, बनाने में जंगल महंगी बहुत है। अबे यार एक साल से मैं रिएक्शन दे रहा हूँ उर्दू वीडियोस पे, बहुत सारे ना मैं जान गया हूँ, ठीक है, खूबसूरती ऐड करते हैं, हो गए जंगल बहुत सारे हो गए तो उन्हें जंगलात कहते हैं। कुदरती आफात से महफूज रखने में काम देख, यार ये बाइक जो है पता है ना उसको चाइनीज बाइक बोलते हैं, वो यार दिखी जाती है पाकिस्तान में हर जगह, 100 में से 90 जो है ये बाइक चलती है, प्ले ग्राउंड बहुत पॉपुलर बाइक है। यहाँ के लोकल्स यहाँ क्रिकेट खेलना, डिफरेंट चीजें हो रही है, इट्स हैपनिंग प्लेस। साथ ही साथ यहाँ पे 2-4 लोगों ने होटल्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे चाय पी रहे हैं, गंदे गरज भी है, झूले यहाँ के बड़े डिफरेंट हैं, अमूमन आपने झूले देखे होंगे। ओ मैं देखो इनका झूला, तो हर जगह का अपना कल्चर होता है। एक चीज जो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी बचपन से वो थी ट्री हाउस। फाइनली मैंने यहाँ पे ट्री हाउस देखा, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर ट्री हाउस, बट ये बंदा सेफ है, ठीक है। और मुझे पहले लगा था यार ये तो सिर्फ जाता है नए नए जगहों पे, वहाँ का खाना खाता है, बाद में मैंने सर्च किया तो पता चला यार ये तो शेफ है, पहले खाना खिलाता था अब खाना जो है वो खा रहा है। पेड़ पे जमीन से हजारों फुट की दूरी, ये ऊपर है बादल नीचे, स्वाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है, ये कंफर्टेबल हो जाना यार। मैं हूं कंफर्टेबल आए ऐसे ऊपर है, मैं खो गया ना इनके दो के यहां लाइफ है, छोटा गांव है, हरियाली है, हरियाली है, सच में। लेकिन मेरा सवाल बनता है यहां आके क्यों लोग यहां क्यों रहते हैं, अपने आप को इतना दुश्वार जगहों पर रखना, कोई बीमारी हो कुछ हो नीचे कैसे आएंगे जाएंगे, सामान कैसे आएगा जाएगा, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द आंसर, बट यहां के लोगों से जरूर मालूम करूंगा मैं कि क्यों उन्होंने डिसाइड किया। ये स्वात है कलाम स्वात, इनके खेती करने का तरीका। अरे जिसको गोली मार दी थी वो कौन थी, मलाला, नहीं नहीं मलाला, मोटी रोटी मलाला, वो भी शायद
स्वात प्रांत की शायद वो भी है जहाँ तक स्वात प्रांत है। प्रांत मतलब होता है ना एरिया, ऐसे उसको प्रांत कहते हैं। मशीन का आटा पीसने का अलग है और ये देख देसी देसी आटे की रोटी। मेरा सवाल ये है, देसी आटा कौन सा होता है? आप लोग यहाँ क्यों रहते हो? यार गेहूँ से निकले हो ना आटा, वो अल्लाह ताला ने हमने ये मुकर्रर किया ये जगह। अल्लाह ताला हम वो किधर जाएंगे, ये हमको रहेश है हमारा, इधर पैदाइश इधर का है इसलिए थोड़ा बहुत कठिनाई होती है। काम कर रहे हैं यहाँ पे, खेती बाड़ी कर रहे हैं, सर्दी में तो बहुत ठंड होती है। सर्दी में बैठ जाता है तैयार खाता है बस। क्या कैसे ये सामान जो सब्जी कहाँ से लाता होगा? नीचे नहीं जा सकता, बर्फ वो पैदल जाता है ना, पैदल जाता है। हाँ पैदल जाएगा, मेहनत करते हैं, घंटा नीचे बाजार से लेता है। अच्छा, और आटा अपना इसकी 5-6 महीने का स्टॉक करेगा। लकड़ी भी स्टॉक करता है, वो माल के लिए चारा। अच्छा, वो भी स्टॉक करता है, वो भी स्टॉक करते हैं। वो सामने वो नहीं दे, वो काटता है, वो सुखाएगा, इसका फिर उधर स्टॉक बनाता है। अगर मैं तमाम चीजों को एक जगह करूं तो अल्लाह तवक्कल है आपका। हाँ, आप अल्लाह पे भरोसा है और खुश है इसके अंदर कि अपनी जगह पे बैठता हूँ, मैं आता हूँ, बहुत मजा आया, जगह बड़ी खूबसूरत है आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या करता है इसका? सही तो बोला मैं, मतलब क्या? नहीं तू भी जानता है कैसे जाता है? इधर कुछ खिलौने टाइप के मेरे बच्चों के लिए। आई थिंक इनको छोड़ो, यार बैकग्राउंड देखना पीछे, ये कहाँ पे, वो नीचे देख, वो लोग कहाँ पे। जिंदगी गुजारते हैं, छोटी छोटी चीजें इनके लिए खुशियाँ लाती है। ना वीडियो गेम्स है, कुछ नहीं है, ना कोई खास गैजेट्स है, हाथ से बनाई हुई कुछ है। ये इनमें ही बहुत खुश रहते हैं ना यार। हम लोग दुखी हैं कि मेरे पास आईफोन नहीं है यार। ये इसी पे खुश है। शाबाश शाबाश शाबाश, थैंक यू, संतुष्ट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पीछे का नजारा देख, माशाल्लाह, ओ तेरी अल्लाह, ओ अकबर देखा। हाँ इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अजान। मैं भी किसी को, मैं भी किसको सिखा रहा हूँ। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ। और ये लकड़ियों से बड़ी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, पुरानी भी लग रही है मस्जिद। ये जो झुकते हैं तो भाई क्या बोलते हैं? झुकते हैं तो दुआ मांगी जाती है। दुआ मांगते हैं हम लोग, झुकते हैं। हाँ, उसमें हमारा ऐसे करके क्या दुआ मांगते हैं, जो भी मन में तुझे अल्लाह से मांगना है मांग ले, वहीं तो पूरी होंगी। और ये है कलाम की सबसे खूबसूरत जगह, झील सैफुल्ला। मैंने दुनिया देखी, नेशनल का पाकिस्तान का मेरा फिफ्थ सीजन है, एंड आई थॉट कि आई हैव सीन इट ऑल। ट्रस्ट मी, ये जगह देखने के बाद मुझे लगता है मैंने कुछ भी नहीं देखा। ये नजारा देखने के बाद तो मेरा अभी मन कर रहा है जाने का। दिल नशीन, आई थिंक इट्स जस्ट ब्रेथ टेकिंग। ये पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है। मेरा वीजा लग जाए तो मैं बाइक से निकल जाऊं, यहां जाऊं वो कारने पैदल कारने से मिला होने का अलाउ नहीं है। वो जो बर्फानी पहाड़ है पिघलते हैं, तो ये वो दरिया बह रहा है। एक फनी थिंग कि आपको ऐसे बहुत से टूरिस्ट नजर आएंगे जो कि बोट की राइड लेते हैं। अमेजिंग प्लेस, आई थिंक वन शुड कम हियर एटलीस्ट लाइफ टाइम में, जरूर आना चाहिए लाइफ टाइम में। अभी है पकौड़े बना रही है इस जगह पे, बहुत आइडियल चीज है पकौड़े। तो मैं ट्राई दैट पकौड़े, काय के ये देख तल रहे हैं गर्म गर्म पकौड़े। आई थिंक ऐसी जगह पे उर्दू ज्यादा जानता है तो भाई हीरो मत बन। नहीं मैं इतना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन गरम तो बहुत है, लेकिन मुझे भी आती है। अच्छा, मसाला चाट इसी में डाल दिया आपने? अच्छा, हम हमेशा ऊपर से डालते हैं। नॉट बैड। रात का खाना क्या है? लिट्टी चोखा खुद बनाएंगे? हमारे यहाँ हमारे यहाँ का फेमस लिट्टी चोखा। मैंने नहीं देखा, एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। एक छोटा सा ढाबा यहाँ पे, कुछ कुकिंग शुकिंग हो रही है लकड़ी में, काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, गोश्त बन रहा है। क्या चीज मशहूर है यहाँ का? उसकी मतलब वो भाषा सुन के ना यार शुगर हो जाए। वहाँ भी थोड़ा देख लेना, वो लोग तेरे को देख रहे, कुछ शर्मावट।
मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, मैं बस खो गया हूँ वीडियो देखने में, इतना खूबसूरत कुदरत के हसीन नज़ारों में से एक हसीन नज़ारा किसान वैली। बहुत ऊंचाई पे ये पहाड़ है, दुश्वार तरीन रास्ते, आई एम श्योर यहाँ थोड़ी बहुत आबादी नज़र आ जाएगी, कुछ जानवर नज़र आए मुझे, एक बहुत खूबसूरती यहाँ पे नज़र आई मुझे पहाड़ों पे। तो मैं चले हम पहाड़ है वहाँ ये खूबसूरत फूल चार चांद लगा रहे भाई, ऐसी है कोई पाकिस्तानी हम इसी में जान पहचान का, ये लोग हमें बुलाएंगे ना। बुलाते तो यार सभी जगह कौन सा पता नहीं चाचा क्या बोल रहे हैं। कितना बड़ा जगह आपका? बड़ा दूर जगह है, बहुत खूबसूरत है वो पूरा पहाड़ आपका है। क्या करते हैं यहाँ पे? बस डंगर वंगर नहीं है, डंगर आ गया। अच्छा वो चारा क्या करता है? सर्दी में क्या करता है? सर्दी में पिंडी में चलेगा, पिंडी चले जाएगा। मैंने सुना है कहीं पढ़ा था मैंने कि पिंड में बहुत ठंड पड़ती है, क्या रहता है रावल पिंडी जगह यहाँ पे रावल पिंडी। और वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, पेस बॉलर हूँ, तो मेरे आइडल जो है वो शोएब अख्तर हैं, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कोई शदीद ऊंचे भाई बंदा वो बढ़िया, हाँ बस वो जब बॉलिंग करता है ना इंडिया के खिलाफ तब अच्छा नहीं लगता, जब ऑन द फील्ड अच्छा नहीं लगता, ऑफ द फील्ड ही इज अ नाइस बहुत बड़ा। पीछे से चेहरा उभरता बंदा आया भाई का, कम्युनिकेट में बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहा इनसे, बिल्कुल लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, लेकिन सुबह से लेके ये बस जंगलों में रहते हैं और बकरियां शिकार में निकाली, शिकारी रात को घर जाते थोड़ा बहुत खाना अपने साथ लेके चलते हैं, शिकार नहीं है शिकारी। बादल पहाड़ से होके जाते हैं ना, ब्यूटीफुल पाकिस्तान दिखाए उस पर, देखो पहला वाला या दूसरा वाला सीन था, वो बंदा ऊपर था और बादल थे नीचे नीचे थे, वो यार एक्सपीरियंस कुछ अलग लेवल का। दिन भर की थकन के बाद लोग जब वापस अपने होटलों में आते हैं, रात इस बाजार का रुख करते ही माल रोड है, दिन में इट्स नॉट दैट बिजी, लेकिन शाम में बहुत बिजी हो जाती है। एक तो यहाँ खाने पीने की चीजें भी हैं, होटल्स भी हैं, और वो चीजें जो यार ये रिएक्शन आपको कैसा लग रहा है ना कमेंट करके जरूर बताइए फटाफट कमेंट। यहाँ ठंड की लहर आ जाती है, तो शाले हैं, गर्म कपड़े हैं, मेवे हैं, पिस्ते बादाम उनकी शॉप्स हैं, और ज्वेलरी की बहुत शॉप्स हैं। मून आ गया यहाँ पे आके लोग कुछ ना कुछ सुवेनियर लेके अपने घर जाते हैं। मैं शाल या शॉल शाल शॉल 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 इंग्लिश में जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बन रही है। एक चीज जो बड़ी एक्साइटिंग है वो ये कि यहाँ पे ट्राउट आपको बड़ी अच्छी मिलेगी, जो हम कहते हैं ना व्यंजन, व्यंजन नहीं समझ में आएगा इतना भारी भाट का हिंदी यूज हम व्यंजन कहते हैं खाने को, चकाए ना ऐसी चीज थोड़ा सा खुशबू तो ये पिंडी बोल रहे हैं शायद है। पता नहीं यार, आहा हा बिरयानी ये मैं खाऊंगा, क्या है बहुत चिकी चिकी चावल है, जबरदस्त करना ये ट्राई करता हूं मैं, तो बहुत ट्राई की बना रहा है ना भाई, इंशाल्लाह खिलाऊंगा तुझे भी बिरयानी। बस गरम गरम ट्राउट है तो बड़ी मजा, मसाला क्या लगाया हुआ? लाल मिर्च हल्दी ठीक है, बस लाल मिर्च वगैरह कबाब अपना मसाला है, अपना मसाला है जबरदस्त। ये मुझे भी यार एक ये भी दे दो यार, सही है बहुत मेहरबानी। कलाम आके तो ट्राउट चेक नहीं किया तो फिर मजा ही तो सही कह रहा है भाई, कह रहा है कलाम आया और ट्राउट नहीं खाया तो मजा नहीं आएगा, कलाम आके ट्राउट फिश खाना बनता है आपका। ये वो फिश है जो कि अगेंस्ट द वाटर जाती है, तो बड़ी मजेदार है, मछली बहुत मशहूर है यहाँ की, अगेंस्ट द वाटर मतलब वाटर फ्लो होता है उसके उल्टे में जाते हैं, बड़ी फैसिनेटिंग है यहाँ क्योंकि लाइट कम है महंगी है, तो ये कोयले वाली स्त्री है, किसने किया होगा पहले बार कोई एक मन की स्त्री है, नोटिस किसने किया होगा पहले बार, किसी ने नहीं किया होगा, वो फिशिंग करने गए होंगे, कोयला चलता है उसके अंदर क्या होगा भाई, वो देख लिए ना तो भाई स्ट्राइक में पहली बार देखा हूं तेरी कमेंट उल्टे फ्लो वाली मछली है जो तुझे वो एक्सप्लोर करवा रहे हैं, ये स्त्री है जो स्त्री होती है ना आयरन स्त्री, स्त्री आयरन जो हम कपड़ों पे करते हैं, स्त्री के दो मतलब होते हैं, हाँ एक खवातीन होती है जो उर्दू में कहते हैं खवातीन, जो कि जो खातून कहते हैं ना, अंडे की भी हो, अच्छा ठीक है मत बोल भाई इतना मत बोल, बाउंस कर जाता है मेरे, अच्छा आलू मैंने अच्छी तरह धो लिए आप चाहे छील सकते हैं, मैं सिखा दूंगा, मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे सीख रहा हूँ, सीख रहा है बारीक जैसे चिप्स वाले होते हैं थोड़े से मोटे, थोड़ा सा ऑयल डाल देता हूँ मैं, और मैं इसके जरिए आपका पाकिस्तान देख, आलू जो है इनमें मैं तो रोज देखेगा ये, ओके जी, और ये फिलहाल
ऐसी जगह पे खाना यार बनाने भूख और बढ़ जाएगी। अलर्ट पलट ले। अच्छा जी मेन नेशनल क्या बता रहे हो? जबरदस्त ब्राउन हो गए दोनों तरफ से। नेशनल का वो खाना बना रहे हैं उनको बनाने के देख भी। नेशनल का पाकिस्तान तेरे को नाम थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? रख लेता हूं। हां ये थोड़ा स्ट्रेंज है। अरे मुझे भी लगा था लोगों ने नेशनल का पाकिस्तान पे रिएक्शन दो तो मुझे लगा था अरे मुझे लगता है कि मतलब गलती से टाइप हो गया नेशनल का पाकिस्तान सुनने में थोड़ा। फिर मैंने सर्च किया नेशनल का पाकिस्तान तब समझ में आया नेशनल एक ब्रांड है मसाले का। साथ साथ एक छोटा सा लेसन का जवाब पाकिस्तान नाम थोड़ा अटपटा सा है लेकिन यार सीरीज जबरदस्त है। ये लहसुन भी इसमें डाल देते हैं जैसे लॉट्स ऑफ फ्लेवर। टमाटर मेरे पास पड़े हुए ये देख कैन टमाटो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। सीखना फिर ओके खिलाना मुझे। अब मैं इसी आजा मेरे घर पे इसमें थोड़ा डाल देता हूँ। आजा पक्का ये ऑन रिकॉर्ड है भाई। हां तू मैं कर नहीं सकता ठीक है तुझे अगली वीडियो में भी खाऊंगा। काम करते हैं इसमें आप नेशनल की कढ़ाई मसाला डाल देते हैं। आई नो मजेदार पिक्चर्स देख रहे हैं अब इसमें अंडे में कढ़ाई का मजा आएगा बहुत मजेदार। इसी में थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च कलाम की और मिक्स और इफ यू लाइक हरी मिर्चें तो एक दो हरी मिर्चें यू लाइक हरी मिर्ची तुझे पसंद है यार। इंडिया ने यार तीखा खाने के लिए फेमस है। मैं भी बहुत लाल लोबिया मेरी अम्मी बहुत बोलती है कि मत खा सेहत पे बुरा असर पड़े। मैं नहीं सुनता कहाँ से भाई। देखो मिर्ची लोग जीने के लिए खाते हैं मैं खाने के लिए जीता हूँ। आप देख सकते हो हेल्थ से आप पता कर सकते हो। मैं दो डाल देता हूँ यार पीछे गाय रेसिपी है। हाँ गाय ओके जी तुझे यहाँ कंप्लीट सब कुछ नहीं मिल ऐसे देखने पे ऐसा लग रहा है ना कंप्लीट है ये जगह बड़ा पूरा है मतलब परफेक्ट जगह यार किसी को अकेले अगर समय बिताना हो ना यहाँ पे जाए तीन चार घंटे आराम से बैठे यार कैन हैव इट जन्नत बहुत सुकून चावल के साथ या ब्रेड के साथ। मेरे पास कुछ ब्रेड है इस पे हल्का सा ऑलिव ऑयल लगा के गरम आग ऑलिव ऑयल जैतून का तेल ऑलिव ऑयल इसको तो रिकॉर्डिंग के बाद तू मार खाएगा। किसका तेल? जैतून 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 यस मतलब जैतून ऑलिव ऑयल जैतून कहते हैं उस जैसे मस्टर्ड ऑयल सरसों बेहतरीन। तुझे पानी आ रहा है मुंह में? पहाड़ों से टकराती खूबसूरत आवाज। हाँ भाई मजेदार तू बना के खिलाएगा ना भी मेरे को। टर्किश पकोड़े नेशनल की पाकिस्तान में मेरी मंजिल केपी के। नेशनल का पाकिस्तान मतलब कैसा लगा बता भाई? नेशनल का पाकिस्तान बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं पहले पे बताता हूँ ये मैं यहाँ बोलता हूँ ना यार ऐसा लगा बहुत अच्छा है। ये लोग क्या बोलते हैं बता कि बस आप ही को अच्छा लगता है मयंक भाई बाकी इंडियंस ऐसे नहीं है नहीं। बाकी इंडियंस को अच्छा नहीं लगता सभी के बारे में नहीं बोल रहा लेकिन यार कुछ कमेंट्स आते हैं नहीं मयंक भाई आप अच्छे हो बाकी इंडियंस आपके जैसे नहीं है। मैंने पकड़ के लाया भाई मेरे जैसा पकड़ के लाया बिल्कुल नहीं। अभी मैंने देखा बहुत ही अच्छा लगा मुझे ऐसा कह सकते है ना बहुत खूबसूरत जगह वो ऐसी बात नहीं है यार। देखो जितने खूबसूरत जगह है इधर उधर मतलब बॉर्डर के इस पार बॉर्डर के उस पार उतने ही खूबसूरत लोग भी हैं बॉर्डर के दोनों तरफ तो इसमें यार हाँ बस थोड़ा भेदभाव कुछ मैंने पहले भी बोला जो डिफॉल्ट सेटिंग है ना 1947 में वो हेट वाली थोड़ी है तो बस उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है और थोड़े अपना मीडिया और थोड़ा अपना पॉलिटिशियंस तो बाकी सब सबको इग्नोर करें। और अभी सिद्दीकी भाई को आप लोगों ने हमने देखा और उनका भी बहुत अच्छा काम है हर जगह घूमते हैं एक्सप्लोर करते हैं और हमें भी दिखाते हैं सारी दुनिया को दिखाते हैं तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो उनके ज़रिए हम भी देख पाते हैं पूरे पाकिस्तान को और वहाँ पाकिस्तान के खूबसूरत चीज़ों को खूबसूरत जगहों को। भाई मैंने तेरे को कोई भी स्क्रिप्ट नहीं दिया है फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तू बहुत सोच के बोल रहा है? नहीं ऐसा बात नहीं ऐसी बात नहीं है मैं पहली दफ़ा कैमरे पर आया हूँ ना इसलिए मैं उतना कैमरे पर आता नहीं हूँ तो इसलिए पहली दफ़ा ये कर रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। तेरा सब्सक्राइब करने को बोले यार 40,800 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं हमारे यार 41,000 का सब्सक्राइबर इसे मत बोल इसे बोल प्यार ये आप लोगों का 40,000 ये प्यार है मोहब्बत है मैंग के लिए
और मैं गुजारिश करता हूँ इसे और मोहब्बत दें, मोहब्बत से नवाजें इसे। और इतनी अच्छी उर्दू बोलोगे यार, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तू जारी रख अपना उर्दू बोलना। मैं चाहता हूँ कि और आप मोहब्बत दें, प्यार दें इसे, और सब्सक्राइब जितना हो सके करें, और लाइक करें, कमेंट भी करें। यार अंत में मैं जैसा हमेशा वीडियो का एंड करता हूँ, यार भाई अपना तो ऐसे वैसे तो एंड नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो एंड है अब मेरे अकेले के लिए है। तो भाई ने बोला यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, तो यार फटाफट लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो। तो भाई मैं लास्ट में जो बोलता हूँ वो बोलता हूँ, तो खुश रहें, आबाद रहें, दिल्ली रहें या इस्लामाबाद रहें, अमन की आशा।